नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट और मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में जो सियासी पारा है इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि चुनाव करीब है। चुनाव में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो स्टेट की पार्टीज की बात कर लें या फिर सेंट्रल की पार्टीज की बात कर लें, वो लगातार उत्तर प्रदेश में अब बिल्कुल सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में अपना घर बना लिया जाए और इस बार उत्तर प्रदेश में सत्ता जमा ली जाए। चाहे वो सेंट्रल की बात हम कर लें, क्योंकि देखा होगा आपने कि किस तरह से बीते दिनों उत्तर प्रदेश में लगातार राजधानी में जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं उनकी बैठकें, उनकी मीटिंग्स हैं लगातार होती रही हैं। और अब बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के जो विधायक सांसद हैं उनके साथ बैठकें करके रिपोर्ट कार्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता के बीच में बीजेपी का क्या फीडबैक गया है, कितना भी फीडबैक और अच्छा जा सकता है, और उस फीडबैक को जो कि खराब है उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसी को देखते हुए बीजेपी कई सारे सम्मेलन करने वाली है। बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो उत्तर प्रदेश में अपना घर बना लेंगे और उत्तर प्रदेश में जनता के बीच जा जाकर जनता की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे कि ये योजनाएं आप ही के लिए थी, ये योजना आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, कहे नहीं पहुंची, कौन बीच में रोड़ा बन गया और बीती सरकारों ने कौन कौन सी कमियां करी थी। कई सारे प्रमुख कार्यक्रम जो हैं वो 3 महीनों तक बीजेपी चलाने वाली है, 100 दिन में 100 योजनाएं लेकर जनता के बीच जाने वाली है। और ये जो काम है इन योजनाओं के बारे में बताने के लिए देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सारे जो सीनियर लीडर हैं ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपनी जो जमीन है उसको तलाशने के लिए उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो जाएंगे आने वाले दिनों में। इसके अलावा संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, ये सारे जो बड़े नेता हैं ये भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो संगठन है उसे मजबूत करने में, कार्यकर्ता जो सोया हुआ है उसे जगाने में, जहां पर कार्यकर्ताओं से या फिर जहां पर विधायकों सांसदों से लोग नाराज हैं उन्हें मनाने में, जहां पर पार्टी की जो छवि है वो बेहतर नहीं है उसको उस छवि को सही करने में ये जो तैयारी है, ये जो रोडमैप है ये तैयार करेंगे और उसके बाद जनता के बीच जाएंगे। तो ये बात हो गई बीजेपी की। दूसरी तरफ अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है। सपा ने आज उत्तर प्रदेश में अपनी जो रथ यात्रा है, न्याय ये रथ यात्रा उत्तर प्रदेश में विजय रथ यात्रा इसका नाम अखिलेश यादव ने इसे दिया है और उसकी शुरुआत आज इन्होंने उत्तर प्रदेश के कानपुर से करी है। कानपुर से ये हमीरपुर ये रथ यात्रा जाएगी। अखिलेश यादव इस रथ यात्रा में मौजूद थे और उसके पहले उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जा रही हैं, बीजेपी चाहती है कि हम संविधान के ऊपर भी इसी तरह से गाड़ियां चढ़ा दें। अगर समय रहते हुए हम आप नहीं चेतेंगे तो ये समस्याएं और बढ़ जाएंगी, इसीलिए बीजेपी को जितना जल्दी हो सके फ्रंट सीट से हटा करके बैक की सीट पर लाना बहुत जरूरी है। अपनी सत्ता में हमें आना बहुत जरूरी है क्योंकि अब जनता चाहती है कि कुछ ना कुछ करके उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है उसे बदला जाए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाए ताकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का जो विकास, जिस विकास की बात अखिलेश यादव लगातार करते आए हैं, वो विकास जनता तक एक बार फिर से पहुंचाया जा सके। ये बात हो गई समाजवादी पार्टी की। इसको शुरू करने से पहले कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात की और उनसे भी आशीर्वाद लिया था। इसके अलावा आज एक और राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। शिवपाल यादव जो कि क्योंकि अटकलें काफी तेज लगी हुई थी काफी दिनों से कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने कि शिवपाल यादव की जो पार्टी है प्रगतिशील समाज पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टियों का कहीं ना कहीं कुछ गठजोड़ जो है वो बन सकता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को देखते हुए। 10 तारीख तक का समय जो था वो चचा शिवपाल ने अखिलेश यादव को दिया था कि चलो ठीक है बातचीत करके समीकरणों को बैठा लिया जाए, लेकिन 10 तारीख बीतने के बाद 12 तारीख यानी आज से उन्होंने भी अलग होकर के, क्योंकि कहा जा रहा था कि एक साथ आ सकते हैं, आए तो नहीं, इसीलिए अलग होकर के उन्होंने भी अपनी एक रथ यात्रा उत्तर प्रदेश के मथुरा से शुरू कर दी। खास तौर पर इस ये जो रथ यात्रा निकाली गई है इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो शिवपाल यादव हैं अपनी खोई छवि पाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को जगाया जाए, जनता के बीच जाया जाए, बीजेपी की कमियों को बताया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बोलने से अक्सर बचते हुए नजर आए हैं और आज भी कुछ इसी तरह हुआ। फिलहाल आज की जो ये शिवपाल यादव की रथ यात्रा शुरू हुई इसमें
कुछ कांग्रेस के भी सीनियर नेता मौजूद थे जो कि शिपाल यादव के साथ थे, और उन्होंने ये भी कहा है कि शिपाल यादव एक अच्छे नेता हैं, एक संत प्रवृत्ति के नेता हैं, और अगर वो उत्तर प्रदेश में काबिज होते हैं, अगर उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में काबिज होती है तो चौतरफा विकास उत्तर प्रदेश का होएगा। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो बीते लखीमपुर कांड से कहीं ना कहीं कांग्रेस कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गई है। लखीमपुर कांड होने के बाद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लें या फिर सेंट्रल की बात कर लें, वो लगातार राजधानी लखनऊ में बने हुए हैं, मीटिंगें हो रही हैं, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, और प्रयास किया जा रहा है कि लखीमपुर बार बार जाकर के जो न्याय की लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि हम बहुत जल्दी न्याय यात्रा निकालने वाले हैं, कांग्रेस का कहना है कि हम कुछ यात्राओं के जरिए जनता के बीच जाने वाले हैं, और उसी न्याय यात्रा के तहत आज प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंची हैं, जहां पर वो जो अरदास का जो किसान जो शहीद हुए हैं उनके अंतिम अरदास में पहुंची हुई हैं और वहां पर अपनी श्रद्धांजलि दे रही हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम है जो इस वक्त चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जो इन लोगों से अभी भी दूर हैं। इन लोगों को शायद ये अभी तक नहीं पता कि आम आदमी की थाली से दाल और सब्जी दूर हो गई है। इन लोगों को शायद ये नहीं पता कि तेल और पेट्रोल का दाम इतना महंगा हो गया है कि लोग अब कहीं ना कहीं पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर हो गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, बच्चों की फीस देनी है, कोरोना का डर है, व्यापारी परेशान है। तो इन मुद्दों को लेकर भी कहीं ना कहीं इन विपक्षी दलों को जनता के बीच आना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और साथ साफ तौर पर कहीं ना कहीं इसमें हम कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी जोड़ेंगे, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। तो आज की डिबेट हम शुरू करेंगे। हमारे कुछ मेहमान जो हैं वो इस वक्त जुड़ गए हैं और हम उन मेहमानों का तारुफ आपसे करवाएंगे और उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त केसी जैन साहब हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अजय चौबे जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरीफ हाशमी साहब हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। और सत्यजीत सिंह जो कि पीएसपीएल के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। सबसे पहले मैं जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये आप लोग कुछ एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, बता रहे हैं कि 100 दिनों में 100 योजनाएं जो हैं वो जनता तक आपके प्रधानमंत्री यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या जितने सीनियर लीडर हैं आप लोगों के जो कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आते हैं, मीटिंगें करते हैं, जिन पर कहीं ना कहीं विपक्ष ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास नेता नहीं है, इसी वजह से सेंट्रल के नेताओं को बुलाया जाता है। तो ये नेता एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजधानी में आएंगे और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये योजनाओं को, उत्तर प्रदेश की सरकार की और केंद्र की सरकार की योजनाओं को गिनाने वाले हैं, लाभार्थियों से बात करने वाले हैं। तो जब आप लोग अपने कार्यक्रम करते हैं तो साइकिल यात्रा या रथ यात्रा या इस तरह के कार्यक्रमों पे आप लोग क्यों कहते हैं कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसी वजह से ये जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके बरगला दें? देखिए, राजनीति में रैली करना, क्षेत्रों का दौरा करना, जनसंपर्क करना, ये सारी की सारी पार्टियों के हिसाब का है। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार जब जब कोई भी विपक्षी दल हो इस तरीके की रैली के लिए या इस तरीके की शांतिपूर्ण तरीके से जनसंपर्क के लिए जब भी ये परमिशन मांगते हैं, सरकार उनको बाकायदा परमिशन भी देती है कि आप लोग अपना काम करिए, जनसंपर्क करिए, सब कुछ। लेकिन रही बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के कामों से कहीं पे तुलना करना या उनकी योजनाओं से अपनी योजनाओं को तुलना करना, तो तुलना टिकती कहाँ तक? आपने जैसा कि कहा कि आप भी जनसंपर्क कर रहे हैं, आप भी अपनी 100 योजनाएं लेकर के 100 दिनों के लिए प्रदेश में, प्रदेश के बाहर के भी मंत्री आएंगे, विधायक आएंगे या अन्य बड़े नेता आएंगे। देखिए, ये तो कोई भी पार्टी हो, अब उत्तर प्रदेश में देखिए राहुल गांधी, प्रियंका जी पूरा डेरा डाले हुए हैं, और चूंकि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव होंगे, 5-6 महीने का चुनाव का समय बचा है, ऐसे में सारी पार्टी अपना जुगत लगाए हुए हैं कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारा खाता खुल जाए। अच्छा। अब उसी में तो ये क्या, ये जो प्रियंका हो, जैन साहब, ये जो कांग्रेस की न्याय यात्रा है या सपा प्रसपा की रथ यात्रा है, इससे इन लोगों को कोई फायदा मिलेगा या फिर इसका नुकसान ही इन लोगों को फिर से मिलने वाला है पिछले चुनाव की तरीके? देखिए, हम बताएं आपको, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी के 5 सीटें घराने की हुआ करती थी, उनमें से वो 4 सीटें घराने की हार जाए।
अच्छा और इसी तरीके से राहुल गांधी जी स्वयं उत्तर प्रदेश से अपना चुनाव हार जाते हैं और वायनाड में जो चुनाव लड़ते हैं दूसरा, उसके वजह से वो जो है लोकसभा के सदस्य बने रह जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको अगर राजनीतिक परिदृश्य को देखें उत्तर प्रदेश के, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिरमाते बैठाया है और उसकी योजनाओं से, उसकी कार्य पद्धति से जनता संतुष्ट है। क्योंकि दो 2014 के लोकसभा चुनाव हो, 2017 के विधानसभा चुनाव हो, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव हो, तो इनके जो रिजल्ट है वो बता रहे हैं कि जनता किसकी तरफ है। लेकिन सारी पार्टियों का अपना अपना अधिकार है, वो रैलियां कर सकते हैं, लेकिन जनता का कहीं पे भी रुझान इन पार्टियों की तरफ नहीं है, क्योंकि इन पार्टियों की कार्य पद्धति को देखा है। समाजवादी पार्टी को तो पिछली बार ही जनता ने देखा है किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, किस प्रकार से गुंडागर्दी चरम पर थी और किस प्रकार से एक आम आदमी अपनी जान बचाए घूम रहा था, और कि पुलिसकर्मी भी अपनी जान बचाए घूम रहे थे, उन 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए। शरीफ हाशमी है सपा वाले, आपकी बात पे हंस रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, अपनी बारी पे वो जवाब देंगे, वो बैठे अपना पक्ष रखने के लिए और मैं सुनूंगा उनको। और मैं आपको बताऊं, इसी तरीके से कांग्रेस का शासन भले उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों से नहीं है, लेकिन अन्य प्रदेशों में जो उनकी सरकारें हैं उसको भी जनता ने देखा है कि वहां पे किस तरीके से जनता बेहाल रही और क्या उनकी कार्य पद्धति रही। अभी आप देखिए कि ये जब पंजाब ये के चुने लोग हुए जैन जो साहब जब ये लोग जनप्रतिनिधि थे जैन साहब जब ये और लोग उनको लखीमपुर हटा जा करके रहे थे, चन्नी को सिर्फ इसलिए बना दिया सुनिए, जिससे कि ये मैसेज जाए कि हमने एक दलित चेहरा दिया है। तो अरे जब ये सब कुल जब ये मिलाकर सब के जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति करना और गठबंधन करके किसी तरीके से सत्ता हासिल करना, ये कांग्रेस का सिर्फ मात्र काम रह गया है। तो जब लेकिन ये सब जनता के लखीमपुर हितों के जा लिए रहे थे उन्होंने तो कोई काहे काम रोक नहीं लिया था किया आप है। लोगों ने? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना और अगर कहीं पे कोई एक हादसा हो जाए उसका अच्छा मतलब ये नहीं है कि उसके बदले में 4 हादसे और हो जाए। अच्छा लेकिन व्यवस्थाओं को जब सरकार ने बना लिया, वहां पे व्यवस्थाएं तो आने जाने की इनकी चुस्त दुरुस्त हो गई, तो इनको मिलवाया गया परिवार के सभी लोगों से। राहुल गांधी जी भी, प्रियंका जी भी मिली, राहुल जी भी मिले और अखिलेश जी भी वहां पर गए, तो ठीक है किसी को सर, नहीं रोका गया। ठीक है लेकिन मैं आता हूँ जो वापस। घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अखिलेश जी के सामने, अखिलेश जी के नेतृत्व में लखीमपुर की घटना के विरोध में जिस प्रकार से पुलिसकर्मियों को गाड़ी में जला के मार डालने का प्रयास किया गया, अरे अगर ऐसी घटना लखीमपुर में फिर से होती तो इसलिए उसको थोड़ा सा पेंडिंग करके रोक करके फिर लोगों को मिलवाया गया। ठीक है सर, ठीक है मैं आता हूँ। हाशमी साहब काहे हंस रहे थे भाई, जैन हंस साहब की इसलिए बात रहा पे। था कि बड़ा हास्पद जवाब देते हैं भाई साहब। इन्होंने ये कहा कि जनता डरी हुई है। अरे हमारे राज में डरी कि आपके राज में डरी? लखीमपुर कांड देख के तो पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश डर गया है कि अब आवाज़ उठाना मुश्किल है। अगर हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो आप गाड़ी चढ़वा देंगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर कहीं दूसरे अगर प्रदेश में ही किसी दूसरे जिले में चले जाएंगे, पता नहीं कब आप एनकाउंटर करा देंगे। आप अपने नेताओं को नहीं छोड़ रहे हैं। आज का ये हाल है, पहले हमारे राज को छोड़िए, हमारे राज में तो क्रिमिनल ढूंढे जा रहे हैं, आपके राज में तो पुलिस ढूंढी जा रही है। पुलिस पुलिस को ढूंढ रही है, अपराधी पुलिस बनी हुई है। अपराध को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी देती है, आरोप दूसरों पर लगाती है। और इनका सबसे बड़ा रोना तो मैं कांग्रेस से आज ही जा गया हूँ। इनके लिए कांग्रेस तो मूल मंत्र हो गया है। इनको खांसी आएगी तो विक्स की गोली की बजाय ये कांग्रेस का नाम ले लेंगे। इनके घर में कुछ हो जाएगा कहेंगे कांग्रेस ने किया। जितना कुछ होगा सब 70 साल कांग्रेस कर रही है। और रही बात मेरे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव की, तो उनको जनता इतना प्रेम करती है कि आज विजय रथ यात्रा ने उस आगाज को दिखा दिया है। हमारे आज आदेश हुआ था कि हम जिस जिले में जाएंगे सिर्फ उस जिले का कार्यकर्ता वहां रहेगा। जाइए देख लीजिए, कार्यकर्ताओं से ज्यादा वहां की जनता उमड़ी हुई है हमारे नेता को देखने के लिए, हमारे नेता की एक झलक पाने के लिए। इस प्रदेश की जनता आदरणीय अखिलेश यादव को बेपनाह मोहब्बत करती है, क्योंकि हमने न्याय प्रयास सरकार चलाई। हमने कोई आरोप नहीं हम पे है कि हमने किसी की हत्या करा दी हो। आपने हत्या कराई, आपने गाड़ियां चढ़वाई, जवाब दीजिए कैसी साहब? हमने करवाया, आपकी सरकार में होता आया है। क्या इस बार ये जो लोग दौड़ रहे हैं आगे पीछे अखिलेश यादव के, जो मिलना चाह रहे हैं, वोट देंगे? शाहजहांपुर में जिस बिल्कुल प्रकार वोट से देंगे, पत्रकार की जनता जला करके हमेशा हत्या हमको की वोट गई देती आई ये है जैन साहब कुछ और कह रहे हैं। उससे जबरन उसके परिवार वालों से जबरन बयान बंधवाए गए। तो आप लोग तो स्वयं आपके मंत्री विधायक किस तरीके के कुकृत्य करते रहे, और अरे जो घटना केसी साहब हुई ये तो आप क्या हो रहा है, किसी क्या कुछ लखीमपुर की होता जो बुलवा लेते हैं अपने यहाँ। हम आपके मिलने शाहजहांपुर नहीं में, जाएंगे, मेरे यहाँ आइए, मैं आपकी बात सुनूँ। शाहजहांपुर हत्या में, मेरे परिवार की होती है, परिवार के लोग अरे उल्टा आपको आपके यहाँ मुजफ्फरनगर जाते हैं, दंगा याद उनको है? बुलाया जाता है। मुजफ्फरनगर दंगा भूल गए?
अरे आपने कितने दंगे करवाए, हमारे यहाँ दंगे तो आप ही करवाते आए हैं। आपका तो असली काम है यही कराना, हिंदू मुस्लिम कराइए, राज करिए। मुद्दा देश का है नहीं, प्रदेश के विकास का है नहीं, सड़कें गड्ढे मुक्त हुई नहीं, लोगों को 15 लाख मिला नहीं, जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई की मार झेल रही है, सिर्फ झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आई है और करती रहेगी। छोटे दंगों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता है या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, पहले तो ये तय कर ले, या गठबंधन तय कर लिया है आपने, अखिलेश जी ने मान लिया कि वो हार रहे हैं और कांग्रेस से समाजवादी पार्टी हर उसके साथ है जो न्याय की लड़ाई लड़ेगा, और पार्टी छोड़िए हम हर उस व्यक्ति के साथ है जो न्याय की लड़ाई लड़ेगा, जो न्याय की लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ है। कांग्रेस आपके साथ क्या करती है, हम ये नहीं कहते, रोना रोना बंद करिए, रोना रोना बंद करिए जैन साहब, कांग्रेस का ठीकरा बोलना बंद करिए, अपने कार्यों को गिनवाइए, जनता के बीच जाने के लायक नहीं है आप लोग। चलिए ठीक है, बाकी मेहमानों को जोड़ते हैं, ठीक है धन्यवाद आप, मैं आता हूँ। नहीं नहीं, गठबंधन इनका पहले से ठीक है, ठीक है जैन साहब हम कांग्रेस से पूछ लेते हैं ना, गठबंधन हुआ है कि नहीं, ये अजय जी बैठे हुए हैं सुन लीजिए। अरे जैन भाई अकेले नहीं जीते सत्ता में, काबिल से गठबंधन के दम पे, जैन साहब गठबंधन है आपके, जैन साहब मैं पूछ लेता हूँ, अजय जी बैठे हुए, अजय जी क्या गठबंधन करिए तो, कौन बड़ा कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है आ रहा हूँ। चोरी चोरी क्यों, आप वैसी साहब को कबूल करिए कि आपका गठबंधन वैसी साहब से, आप कबूल करिए ना कुवैसी साहब आपकी बी पार्टी है, कबूल करिए इसको। अरे आप लोग कभी बताते हैं पार्टी, कभी बी पार्टी, कभी तय तो कर लीजिए। अरे बी पार्टी तो आपकी है, पार्टी है कि बी पार्टी है, तय तो कर आप कबूल करिए वैसी साहब आपसे गठबंधित है। ठीक है सर, ठीक है फिर मैं आता हूँ आप लोग के पास आता हूँ, समझ में आती है जैन साहब, मैं आता हूँ जैन साहब, हो गया प्लीज, आ गई आपकी बारी, आ गई, मैं आता हूँ। तकलीफ तो आपको जैन साहब, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मजबूरी है आपकी पार्टी के लिए बोलना। चलिए ठीक है शरीफ भाई, हो गया। अजय जी ये जैन साहब कह रहे हैं कि सपा का और आपका कुछ गठबंधन हो गया है और इसी वजह से कुछ अंदर अंदर कुछ चीजें चल रही हैं, बता नहीं रहे आप लोग। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ठग बंधन जो है लखीमपुर खीरी घटना को में जलियांवाला बाग हत्याकांड को दोहरा के भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है और उनका चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल जो है आज भेड़िया हो चुकी है, चरित्र जो है वो ब्रिटानिया हो चुका है और चेहरा जो है वो बहुरूपिया हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो है वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बिरयानी खा के गठबंधन करते हैं, इधर हमारे जवान मारे जा रहे हैं, इधर कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे हैं, इधर किसानों पे गाड़ियां चढ़ा दी जा रही हैं, उधर चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हैं, गठबंधन करते हैं, इधर चीन हमारे सरहद में घुस आता है, देश की सुरक्षा पे खतरा पैदा हो गया है। अजय भाई ये बताइए, हिंदू पंडितों को मरवाने वाले, ठीक है जैन साहब आ रहे हैं, आप ही के सरकार की समर्थन था विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समर्थन दिया था जब कश्मीर में सबसे ज्यादा हिंदू और कश्मीरी पंडित मारे गए, और आज उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मणों की हत्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रही है, किसानों की हत्या हो रही है, महिलाओं की हत्या हो रही है, बेटियों की हत्या हो रही है, निरंतर व्यापारियों की हत्या हो रही है। अजय जी मेरा एक सवाल ये है कि आज शिवपाल जी की भी रथ यात्रा थी और आपके एक नेता उनके साथ मौजूद थे। देखिए हमारे नेता जिनका आप नाम नहीं ले रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, वो कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, अच्छा। और एज ए पीठाधीश्वर और संत उनके यहाँ अगर कोई भी आशीर्वाद लेने जाता है तो वो कोई यात्रा निकाल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो उनका अपना धर्म है, तो उससे आप लोगों को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। देखिए संत हैं और वो हमारे साथ हैं, हमारे पार्टी के हैं और पीठाधीश्वर भी हैं, तो शिवपाल जी यात्रा निकाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की रैली में शामिल हो जाए, वो शिवपाल जी यात्रा निकाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की रैली में शामिल हो जाए, वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको देशद्रोही बता रहे हो, लोक सेवा आयोग के मुद्दे पे उनके खिलाफ योगी जी आंदोलन करने आ रहे थे और योगी जी उनके साथ चाय पीते हैं, आज रिश्तेदारी बना लिए हैं योगी आदित्यनाथ जी, अब तो भूल गए ना चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो
शिवपाल जी भी एक राजनीतिक पार्टी है, उनकी जनता के बीच में अगर किसी मुद्दे पे जा रहे हैं तो ये उनका विषय है। लेकिन हमारी प्रियंका गांधी जी तो आज किसानों के बीच में है ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, पूरा विश्व घूम आते हैं, लेकिन लखनऊ इंदिरा प्रतिष्ठान में आए थे और इंदिरा प्रतिष्ठान में खड़े होके वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। इससे बड़ा झूठ का उदाहरण क्या हो सकता है? और वो 200 किलोमीटर किसानों के सुख दुख दर्द में शामिल होने नहीं जा पा रहे हैं, उनके पार्टी का भी कार्यकर्ता मरा, उसके भी आंसू पोंछने उस परिवार का नहीं जा पा रहे हैं। तो जो अपने के नहीं सगे हुए, जो राम के नहीं सगे हुए, जो देश के नहीं सगे हुए, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नहीं सगे थे, आज़ादी की लड़ाई में भी देश के किसानों के खिलाफत कर रहे थे और क्रांतिकारियों का और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी का, और आज किसानों की लड़ाई लड़ने वाले हमारे नेता को इन्होंने जेल डाल दिया, हत्यारे बाहर घूम रहे हैं, इनके मंत्री धमका रहे हैं। और लखीमपुर खीरी की जो दुखद घटना हुई वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भड़काऊ शब्दों के आडंबरों के कारण हुआ। इनके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसान जो है वो गन्ना न बोए नहीं शुगर हो जाएगा, शुगर से मर जाएंगे आप लोग। इनके एक हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसानों को दौड़ा दौड़ा के लाठी से मारो, मैं सब संभाल लूंगा, देख लूंगा। इनके मंत्री कहते हैं किसानों से कि तुम आंदोलन मत करो, तुम अपने उपज का मूल्य मत मांगो, तुम अपना हक मत मांगो, नहीं तो ठीक कर देंगे। इनके मंत्री के बेटे गाड़ी चढ़ा देते हैं, क्या उन किसानों के मौत पे भी हमारे प्रधानमंत्री जी घड़ियाली आंसू रोए? ठीक है, आज ये सब इनका कार्यक्रम चला रहे हैं, हो गया, फिर ये घड़ियाली आंसू रोएंगे जनता के बीच में, फिर ये लंबे लंबे जुमले लेके आएंगे, सिर्फ जुमले जनता आज मर रही है, बदहाल है किसान, बदहाल है। सत्यजीत सिंह जी, सत्यजीत सिंह जी को मैं जोड़ना चाहूंगा। सत्यजीत जी, आज आप लोगों ने रथ यात्रा शुरू की, समाजवादी पार्टी ने भी रथ यात्रा शुरू की, तो ये एक ही दिन दोनों अलग अलग जगहों से रथ यात्राएं, और कहीं ना कहीं ये भी बातें चल रही थी कि आप लोग हो सकता है, क्योंकि चचा शिवपाल ने कई बार प्रयास किया कि अखिलेश जी से कुछ मामला बन जाए, तो क्या बात बनी या नहीं बनी? और शायद बन गई होती तो ये शायद आज की ये जो रथ यात्रा है एक साथ निकाली जाती। देखिए नितिन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव ने बात कही थी कि समान विचारधारा के जितने भी लोग हैं वो एक मंच पे आवे और एक मंच पर आकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाने का काम करें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने यह भी कहा था कि मेरी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बनाने में, संवारने में और उसको बढ़ाने में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत बड़ा हाथ था। इससे आप भी इंकार नहीं करेंगे, मेरा जहां तक अंदाजा है, या प्रदेश की जनता या देश की जनता भी इस बात से इंकार नहीं करेगी कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी को संवारने का काम किया है। कंधे से कंधा मिला करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ हमेशा छाया की तरह वो बने रहे, इससे भी आप इंकार नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या आज जो अलोकतांत्रिक सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको हटाने के लिए हमने बार बार कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारी पहली प्राथमिकता है। और 11 तारीख तक की मैंने एक लाइन दी थी, डेड लाइन दी थी, 11 तारीख तक अगर कोई बात बनती है तो ठीक है, स्वागत है। हमने अनुनय किया था, विनय किया था, प्रार्थना किया था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, हटाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ हम आए और मिल करके चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें, उत्तर प्रदेश से कम से कम 2022 में भारतीय जनता पार्टी हटे। लेकिन सपा वाले भी आज निकालने हैं, जिस ज्यादा इफेक्टिव किसका होगा? सवाल देखिए नितिन जी, इफेक्टिव का नहीं है प्रश्न, ये नहीं है किसका इफेक्टिव होगा किसका इफेक्टिव नहीं होगा, सवाल यह है कि जनता की नब्ज को कौन जानता है, सवाल यह है कि जनता के नब्ज को टटोलने में कौन माहिर है। माननीय शिवपाल सिंह यादव का 45 साल का इतिहास रहा है, 25 साल तक लगातार सत्ता के केंद्र बिंदु रहे हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी को पूरी तरीके से जाना है, समझा है, और वो छोटे छोटे मामलों से लेकर के नाली नापदान खंजा यहां तक कि जो छोटे बड़े मामले थे सबको माननीय शिवपाल सिंह यादव जानते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई परिवर्तन ला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ शिवपाल सिंह यादव जी ला सकते हैं। ये दोनों जब एक हो जाएंगे, उत्तर नहीं, ये शिवपाल जी अखिलेश जी, जैन साहब, जैन साहब, सवाल यहाँ एक होने का नहीं है। जैन साहब सुन ले आप, जैन साहब सुन ले, एक मिनट सुनिए आप, प्रश्न यहाँ एक होने का नहीं है,
प्रश्न यहाँ है कि भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार अन्याय से ग्रस्त जनता क्या करेगी। प्रश्न यह है कि गरीबी का क्या होगा। प्रश्न यह है कि भुखमरी का क्या होगा। प्रश्न यह है कि बेरोजगारी का क्या होगा। क्या 4.5 साल के पीरियड में भारतीय जनता पार्टी ने ये सब किया है? प्रश्न ये है। अलग हुए, फिर परिवार परिवार की क्या बात करते हैं आप? परिवार की क्या बात करते हैं आप? हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा पूरा प्रदेश परिवार है जैन साहब। जैन साहब सभा में पूरा परिवार, पूरा प्रदेश हमारा परिवार है। पूरा प्रदेश हमारा परिवार है और हम पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं। जैन साहब, अरे आप घर की जैन साहब, जैन साहब आप तो कहते हैं हारने जीतने की बात। देखिए नितिन जी, मैं एक बात फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का दंभ बोल रहा है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं, इनका अहंकार बोल रहा है। इनको ये नहीं पता है, शायद इनको जानकारी नहीं है। आपको सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि 14 साल तक इन्होंने वनवास काटा है। जनता 2017 के पहले 14 साल तक ये कहां थे, ये बता सकते हैं? उनको शायद पता ही नहीं है। जैन साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनिए तो जैन साहब, ये सुनते सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ, जवाब लेने आ रहा हूँ। ये सुनते नहीं, पहले सुन तो लीजिए भाई, सुनते नहीं है। ये दूसरों के समय को बर्बाद आ रहा हूँ आपके पास, इंटरप्ट कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, ये डिबेट का रूल नहीं होता है। सुनिए आप जैन साहब, प्लीज, जैन साहब डिबेट का रूल ये नहीं होता है, आप इंटरप्ट मत कीजिए। मैं आपके पास आऊंगा अभी जवाब लेने की, इनके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। पहले सुन तो लीजिए क्या कहना चाहते हैं वो। नितिन जी, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि 2017 के पहले जब ये 14 साल का वनवास काट रहे थे, तब ये क्यों नहीं याद आया इनको कि हम सत्ता से बाहर हैं? 1, 2 साल, 4, 6 साल, 8 साल, 10 साल, नहीं 14 साल तक। और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आज जब ये बोलते हैं नितिन जी, तो आपको भी महसूस होता होगा, उत्तर प्रदेश की जनता को भी महसूस होता है कि इनका दंभ बोलता है, इनका अहंकार बोलता है। और इसी अहंकार ने इनको 14 साल तक वनवास काटने के लिए मजबूर किया था। मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, भगवान राम तो स्थापित हो गए और भगवान राम तो उनका तो हम पूजा अर्चन अभ्यर्थना अर्चना करेंगे, लेकिन ये निश्चित मान के चलिए कि 2022 में इनका विस्थापन हो जाएगा, ये चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम चीजें इनकी ऐसी हैं कि जिनसे जनता त्रस्त है। महंगाई की मार तो सबसे ज्यादा है। हम इतना जानना चाहेंगे इनसे कि क्या ये महंगाई पर अंकुश लगाने में अक्षम हो चुके हैं? अभी तक क्या होता था कि सिर्फ पब्लिक गुंडाई करती थी, अब तो पुलिस गुंडागर्दी पे मादा हो गई है। अब जब पुलिस गुंडागर्दी पे मादा हो जाए तो उस प्रदेश का भाग्य क्या होगा नितिन जी, ये आप जरा सोच सकते हैं, मैं सोच सकता हूं। अभी इनके यहाँ आईपीएस फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। अभी इनके यहाँ बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार करके फरार हुए हैं, उनका कुछ हता पता नहीं है। जो है इनकी योजनाओं पर भी ले लें, गड्ढा मुक्त सड़क की योजना इन्होंने लागू की, कहां गई वो गड्ढा मुक्त सड़क की योजना? एंटी रोमियो स्क्वाड फोर्स, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स, न जाने कितने टास्क फोर्स उन्होंने बना डाले 4.5 साल के कार्यकाल में। हमें सिर्फ इतना ये बता दें कि क्या इनकी उपलब्धि उपस्थिति दर्ज रही है। अब आऊंगा, एक मिनट का मुझे समय दे दीजिए नितिन जी, एक मिनट कंक्लूड, हाँ एक मिनट दे दें। हमारा रथ, हमारी रथ यात्रा निकल रही है, मथुरा से हमने रथ यात्रा निकाली है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जनता दर्शन करने के लिए 24 करोड़ की आबादी में पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे। ये विजय रथ है, ये विजय रथ ऐसा नहीं कि प्रश्न सरकार में आ रही इसकी विजय, इसका विजय रथ है, ये जनता का विजय रथ है। जनता को उस पर आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, और उन आशाओं, उम्मीदों, आकांक्षाओं को जो जनता पाले हुए है, उस पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी खड़ा उतरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैन साहब क्या कह रहे थे, अब जवाब दीजिए। देखिए देखिए नितिन जी, जी मैं देखिए दो तीन बातें। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि हम गठबंधन करने जा रहे हैं, शिवपाल जी ने कहा कि हम लोग एक हो जाएंगे और जितने एक विचारधारा के दल हैं एक हो जाए, ठीक है, आप एक होना चाहते हैं एक हो जाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो मंच पे जो धक्का बुक्की और जो तमाम सारे दृश्य देखने को मिले थे सन 2017 में, क्या वही सारे दृश्य जनता को फिर से देखने पड़ेंगे या आपकी पार्टी के लोगों को फिर से देखने पड़ेंगे? क्योंकि जो महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की, वो अखिलेश में भी वही है, वही शिवपाल जी में भी है। तो अगर गठबंधन होगा तो मुख्यमंत्री का आप चेहरा किसको बनाएंगे? दूसरी बात यह कि अभी आपने कहा कि एंटी भूमाफिया और एंटी स्क्वाड तमाम सारे आपने बनाए, कौन कौन सा टास्क बना था? जैसा आप ही बता दीजिए, पूरा टास्क का नाम लीजिए आप, पूरे टास्क का नाम तो ले लीजिए आप, कौन सा टास्क था, कितने टास्क आपने बनाए, क्या आपको टास्क याद है?
नहीं नहीं आपको टास्क याद है, आप कितने टास्क बनाए? नहीं नहीं सुनूंगा, आप टास्क बता दीजिए, टास्क का नाम बता दीजिए। ये है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि टास्क का नाम नहीं बता पा रहे हैं, आपने टास्क में नहीं बता पा रहे हैं ये मुख्तार अंसारी। अरे भैया आपने टास्क का नाम बता दीजिए, कौन सा टास्क बना था ये बता दीजिए। नहीं नहीं कौन सा टास्क बना था ये बता दीजिए। आप प्रवक्ता महोदय जी, आप आदरणीय हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, कौन सा टास्क बना था ये बता दीजिए। बता रहे जैन साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं वही बताइए बताइए मैं वही बता। देखिए मुख्तार अंसारी, फिर मुख्तार पे आ गए, टास्क का नाम बता दीजिए जैन साहब, टास्क का नाम बता दीजिए। टास्क का मैं अभी, मैंने जो टास्क का नाम लिया है उस टास्क को आप रिपीट कर दीजिए बस। आज जैन साहब उस टास्क को आप रिपीट कर दीजिए, छेड़छाड़ नहीं हो रही जैन साहब, केवल टास्क का नाम ले लीजिए बस। क्या हुआ था टास्क का नाम ले लीजिए आप। लखीमपुर खीरी में जो चीरहरण हुआ था वो क्या था? गोरखपुर में जिस व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या हुई वो क्या था? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जैन साहब, आप सिर्फ अपनी गलतियां छुपाइए। संसद में किसी महिला सांसद ने पास करा है, इसके अलावा मन बचा है आपके पास? आपने किया क्या ये बताइएगा, आपने क्या किया ये बताइए। गाड़ी पलटवाएंगे, गाड़ी चढ़वाएंगे, होटल में हत्या करवाएंगे, अतीक आजम मुख्तार, इसके अलावा आपके मुख्यमंत्री जी के गुरु स्वामी चिन्मयानंद स्वामी जी का वीडियो वायरल हुआ था छात्रा के साथ, वो क्या था आपका चरित्र लीला था? अरे आपके हमले आरोपी को अपने मंच पे खड़ा करते हैं, भूल गए मन को, अपराधी आप हम पे आरोप लगाते हैं, अपराधी आपके मंचों पे होते हैं, अपराधी आपके मंचों पे होते हैं जैन साहब। वो एंटी रोमियो स्क्वाड था और वो आजम खान जिसको अब इनको टास्क आ गया है, और साथ में साथ मुख्तार अंसारी जैसे लोग आज जेल में हैं, उनको बिरयानी क्यों खिला रहे हैं? जिनका समर्थन आप लेते रहे, जिनके बल पे आप राजनीति करते रहे, सबको तो पाला आप ही ने पहले, आज आपको दर्द हो रहा है। आजम साहब पे आरोप लगाते हैं, डरते हैं समाजवादियों से, डर है आपको समाजवादियों से, भयभीत होते हैं समाजवादियों से आप। एक मिनट जैन साहब, जब साक्षी बारा राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो राजीव के मुख्तार अंसारी समर्थक थे, आपके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के, आपका दो एक बात कर रहे हैं, उनको कृष्णानंद राय की पत्नी ने वोट दिया था। अजय भाई, अजय भाई, ऐसे किसी की आवाज नहीं आएगी, एक एक करके बात करिए प्लीज, एक एक करके बात करिए। हाँ जैन साहब पूरी करिए अपनी बात जल्दी प्लीज। जी जी, देखिए जो स्क्वाड का नाम पूछ रहे थे, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया, उस पर कार्रवाइयां भी की। नहीं और भी टास्क है, दूसरे टास्क का नाम बता दीजिए, दूसरे टास्क का भी नाम बता दीजिए, फंस गए फिर आप। चुप बैठिए आप, दूसरे टास्क का नाम बताइए। अरे हम क्यों चुप बैठे, मतलब आप बाहर भी गुंडाई करेंगे, यहाँ भी गुंडाई, चैनल पर भी नहीं बोलने देंगे आप, चैनल पर नहीं बोलने देंगे आप, बाहर भी गुंडाई करेंगे यहाँ भी? अरे क्या बात करते हैं आप, टास्क का नाम ले लीजिए, दूसरे टास्क का नाम ले लीजिए, आप दूसरे टास्क का नाम ले लीजिए, भूल गए आप अपने टास्क को, भूल जाते हैं। जैन साहब बोल रहे हैं, बताइए जैन साहब। नहीं ये तो बदतमीजी है सीधे सीधे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं कोई बदतमीजी नहीं करेगा आपसे, आपके निवेदन के साथ कौन कर सकता है सत्ता भैया? आप सत्ता में डर रहे हैं भाई, आप खुद डर रहे हैं अपने, डर रहे हैं आपके जो डरते हैं, आपके जो क्रियाकलाप है, आप जवाब नहीं सुनना चाह रहे। मैं सुनेंगे, आप सुनाइए, आप जवाब नहीं सुनना चाह रहे, सुनाइए सर जनाब, जवाब सुनाइए, हम लोग सुनना चाहते। देखिए जी जी, देखिए ये किसी से भी गठबंधन करे, ये इनका मत है, इनकी पार्टी का निर्णय है। यात्रा की बात है, हमने पहले ही कहा कि यात्रा के लिए बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको संविधान के अंतर्गत आपको अनुमति देती है, आप यात्रा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। लेकिन बात यह है कि जनता हमारा संविधान देता है, फिर आप बोल रहे हैं, बोलिए 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 बोलिए, आपको ज्यादा जानकारी है, बोलिए भैया, अगर संविधान परमानेंट सर संविधान है भैया, हमें स्वतंत्र, लोकतंत्र में स्वतंत्र है, हाँ लोकतंत्र में स्वतंत्र है, हत्या करने के लिए, बलात्कारियों को मंत्री बनाने के लिए, बलात्कारियों को मंत्री बनाने के लिए, आजम खान जैसे लोगों को सरकार में रखने के लिए आरोप, सरकार आपको परमिशन देती है, और यही संविधान उनको जेल भी भेजता है, यही संविधान उनको जेल भी भेजता है।
यही संविधान गायत्री प्रजापति आजम खां जैसे लोगों को जेल भी भेजता है। सेंगर साहब के संविधान के अंतर्गत जेल में, सेंगर साहब के संविधान के अंतर्गत जेल में। अरे बाकी अपराधियों को जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं, उनको खाना खिलवा रहे हैं, आपने कहा बिरयानी भिजवा रहे हैं होटल में कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आपने कहा प्रभु राम का मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए, हर हर हिंदू इसमें आस्था है, प्रभु राम का मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए, हर भारत का हिंदू उसमें आस्था रखता है, बिल्कुल बनना चाहिए, प्रभु राम का मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए, हम बिल्कुल कहते प्रभु राम का मंदिर बनना चाहिए, हर भारत का हिंदू उसमें। शरीफ भाई हाँ बताइए, शांत है बताइए, जैन साहब बोलिए प्लीज। मैं डिबेट में लॉग इन रहूंगा, सिर्फ चेहरा दिखाऊंगा, इनको बोलने दीजिए, भाषण देने प्लीज 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 बोलिए, शांत ये खुश हो जाए, अपनी बात रख के खुश हो जाए, अखिलेश जी को खुश कर ले, मंत्री बन जाए ये, मैं शांत बैठा हूँ। ना ना ठीक है आप बोलिए, आप सब शांत रहेंगे, कोई नहीं भाई, बोलने दीजिए, जैन साहब को जवाब देने दीजिए, जैन साहब बताइए क्या कह रहे थे और फिर उसके बाद हम बाकी मेहमानों के पास चलेंगे, बताइए। नहीं इनको जो कुछ कहना है पहले इनसे पूछ लीजिए, अपनी बात पूरी कर ले तब मैं कुछ कहूँ। ठीक है हम आते हैं आपके, कुछ बाकी ना रह जाए इनको कहना। ठीक है ठीक, मैं आता हूँ आपके पास जवाब लेने के लिए। अजय भाई क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय मान्यवर जी कह रहे थे, कृपया जल्दी खत्म करें, कि मुख्तार अंसारी का नाम ले रहे थे, जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी तो साक्षी महाराज को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा टिकट दिया था, मुख्तार अंसारी उनके प्रस्तावक थे, राजा भैया समर्थक थे, और उनको इनकी विधायिका अलका राय ने भी वोट दिया था राज्यसभा चुनाव में। अब बदनाम ये लोग दूसरे को करते रहते हैं, बिरयानी बैठा के उनको जेल में खिलाते हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बिरयानी खाने का इनके प्रधानमंत्री को वक्त है, लेकिन किसानों का आंसू पोंछने की बात करिए प्लीज, किसानों का आंसू पोंछने की बात पूरा भाषण दे लीजिए, इससे दुखद क्या हो सकता है, भाषण तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमेशा अपने मन की बात करते रहते हैं। 315 दिन से ऊपर हो गया, क्या किसानों को भी अजय भाई जब इतना सब मौका मिला उनको कांग्रेस में, जब इतना सब कुछ अच्छा था तो जितिन प्रसाद नाराज होकर बीजेपी में कहीं चले गए? अभी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री 3 विधायक उनसे नाराज होकर हमारी पार्टी में आ गए। अच्छा तो ये भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए, इनके विधायक पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा में अपने सर मुड़वा के बाल बनवा के गंगा जल स्नान करके थूक के चाट के कि हम देशद्रोही पार्टी में चले गए थे, जो अंग्रेजों के समय क्रांतिकारियों का विरोध करते थे और आज भी उसी राष्ट्रवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती हैं, उस रणचंदी की पोती हैं जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और यही प्रियंका गांधी पाकिस्तान के फिर 4 टुकड़े करेंगी। 22 में उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और 24 में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का इस किसान इस देश से नामो निशान मिटाने जा रहा है, 135 करोड़ की जनता आज आशा भरी विश्वास भरी दृष्टि से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ सत्यजीत जी क्या कह रहे थे आप? जी हमारा कहना कुछ नहीं है, हमारी बात सिर्फ इतनी है कि देखिए जो हमारी रथ यात्रा चल रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी की नज़रें हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते हैं कि अगर हमारी रथ यात्रा निकल गई और पूरे प्रदेश में सही से निकल रही है तो जाहिर सी बात है कि परिवर्तन की एक लहर आएगी। आज से हमने चुनावी रणनीति का आगाज कर दिया है, और आज हमारी रथ यात्रा मथुरा से निकली है, वृंदावन भगवान वृंदावन के दर्शन करके उस पवित्र धरती का दर्शन करके यात्रा निकाली है, और निश्चित मान के चलिए कि 2022 में परिवर्तन यात्रा ये रहेगी। देखिए एक चीज मैं और कहूंगा, जो है इनको भी मेरे साथ आना चाहिए, इनका तो नारा है, ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, लेकिन ये अमल नहीं करते, ये वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। ये कहते जरूर हैं कि हमने जहां करो वेद गणना लघु चेतसा, देखिए आप इस पर ना जाइए, आप ये देखें कि आपकी जमीन कहां से खिसक रही है। जैन साहब अभी आपने मुझे टोका था कि बीच में मैं नहीं बोलूंगा, वही काम आप कर रहे हैं, जैन साहब वही काम आप कर रहे हैं, वही काम आप कर रहे हैं, आप जैन साहब हो जाइए, आप चुप हो जाइए। अरे क्या बात करते हैं, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का, एंटी रोमियो स्क्वाड फोर्स का नाम नहीं ले पाते हैं आप, पता नहीं कैसे बैठे हैं। या तो मुझे बोलने दीजिए, या तो आप बोल लीजिए, या तो आप बोल लीजिए, क्या होता ना ये वसुधैव कुटुम्बकम की बात है, लेकिन करते नहीं, कहते नहीं, वही कह रहे थे, कहते नहीं, तो आज गले लगा लिए ना। देखिए ऐसे बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं ना, किसी की बात कहीं नहीं पहुंचेगी। जैन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं जवाब लेने के लिए,
सुनिए प्लीज जैन साहब, संसद भवन पे आपकी सरकार, अजय भाई आपकी बारी हो गई है, हमारी कांग्रेस पार्टी ने, अजय जी आपकी बारी हो चुकी है, मैं आऊंगा आपके पास। अरे आप तो देशद्रोहियों को कांधार तक छोड़ने जाते हैं, आप आतंकवादियों को कांधार तक छोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ लखीमपुर खीरी में भी आतंकवादियों के साथ है, किसानों के हत्यारों के साथ है। आज कांग्रेस का विरोध करते करते भारतीय जनता पार्टी किसानों का, नौजवानों का विरोध करते करते देशद्रोह के रास्ते पे जा चुकी है। अजय जी हो गया प्लीज। हाँ शरीफ भाई अपनी बात पूरी करें आप, और फिर हमें जैन साहब से जवाब। नाराज मत हुआ करिए, सच सुनने की ताकत रखिए। अरे नाराज क्यों होंगे भाई, हम लोग आपस में भाई हैं, सब आपस में बैठते हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, आप भी। बस फर्क इतना है कि आप झूठ बोलते हैं और हम सच बोलते हैं। हम जो जनता से कहते हैं वो करते हैं, हमने जो वादा किया वो हमने किया। आपने जनता को लूटा है, महंगाई की मार दी है, आपने गाड़ियां चढ़वाई है, आपने हत्याएं कराई है, आपने गाड़ियां पलटवाई है, आपने एक समाज को पकड़ के रखा है। झूठ बोलना बंद करिए जैन साहब, हम जनता के बीच जाएंगे और इस चोट का जवाब जनता वोट से देगी, इस चोट का जवाब जनता वोट से देगी। जैन साहब 22 में जनता आपका सुपड़ा साफ कर देगी, आप दूर तक नजर नहीं आएंगे। शरीफ भाई हो गया, हाँ शरीफ भाई, जैन साहब अब आप अकेले सुन लीजिए प्लीज, अब आप अकेले हैं, सबकी बातें आपने सुन ली हैं, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए जो इनके मुद्दे हैं केवल मुद्दे भ्रमित करने वाले मुद्दे जी। इन्होंने नोटबंदी को मुद्दा बनाया, जनता ने स्वीकार कर दिया। इन्होंने जीएसटी को मुद्दा बनाया, जनता ने स्वीकार कर दिया। और जिन किसानों की ये बात कर रहे हैं, किसानों का 12,000 किसान प्रतिवर्ष कांग्रेस के शासन काल में प्रतिवर्ष सुसाइड करता रहा। क्यों सुसाइड करता रहा? कभी कांग्रेस ने मंथन किया इसका? आज अगर हम किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कोई प्लान बनाते हैं तो उस पर इनको आपत्ति है। और फिर जिन तीन किसान बिलों को लेकर के लखीमपुर में प्रदर्शन नहीं होनी चाहिए, हम उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन ये कौन सा आंदोलन का तरीका है कि आप हेलीपैड पे ला करके जो है ट्रैक्टर ट्राली खड़ी कर देंगे, आप गाड़ी चलवा देंगे, बल्लम तलवार लेकर के वहां पर जाएंगे, आप गाड़ी चलवा देंगे पहले से। देखिए जैन साहब सुनिए, चार भाजपा कार्यकर्ताओं की उसमें हत्याएं हुई हैं। सर सुनिए मेरी बात पहले प्लीज, सुनिए मेरी बात, जैन साहब मेरी बात भी सुन लीजिए। देखिए जैन साहब 400 भी बढ़ जाते लेकिन आत्मरक्षा करनी चाहिए, 400 भी बढ़ जाए तो आत्मरक्षा ही तो करी किसानों ने, और किसने किसानों ने आत्मरक्षा ही तो करी भाई। आपके आंखों का पानी भर गया है क्या? एकदम अंग्रेजों के रास्ते पे चल गए आप, 400 किसान मर जाते हैं, आप जनता के रास्ते पे चल पड़े हैं, आप 400 किसानों को मार देंगे, आप क्या सोचते हैं इस हिंदुस्तान में क्रांतिकारी नहीं होंगे? कांग्रेस पार्टी आज भी जिंदा है, प्रियंका गांधी भी लोहांदी आज भी जिंदा है, जरूरी है हम भारतीय जनता पार्टी को कायम हुआ है, मुकदमा कायम किया गया है, आत्मरक्षा में क्या हुआ है? किसानों ने आत्मरक्षा की या हम किसानों की हत्या के पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की? ये तो जांच का विषय है, लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार सबको है। दूसरी बात 45-45 लाख रुपया किसान के परिवार वालों को दिया गया, परिवार किसान परिवार वालों को 45-45 लाख रुपए दिया गया, नौकरी दी जा रही है, ये काम कौन कर रहा है? ये काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, और जो बिल लागू नहीं है, जो बिल लागू ही नहीं, सीखिए मत बात सुनिए। अरे मैं फिर वही बात कहता हूँ, 400 बढ़ जाए, 4,000 बढ़ जाए, आत्मरक्षा जरूरी है, आत्मरक्षा जरूरी है, आत्मरक्षा का सबको अधिकार है। अगर आपको लगता है आपको मार डाला जाएगा, आप अपनी आत्मरक्षा करिए, ये संवैधानिक अधिकार है। सुनिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मारे गए, उनके हाथ में लाठी डंडा बल्लम नहीं था, उनको संयम के तहत मारा गया, और मारने वाले किसान नहीं थे, वहां पर कांग्रेसी और सपाई लोग थे जो अस्थिरता पैदा करना चाहते सरकार में। मैं बिल्कुल उनको किसान नहीं मानता हूँ, किसान हत्या नहीं कर सकता है, किसान जब एक बच्चे को बचाने का प्रयास करता है,
तो किसान हत्या नहीं कर सकता है और आंदोलनकारी के रूप में वहां पे कांग्रेसी और सपाई मौजूद थे। जिस प्रकार से यहां पर पुलिस की गाड़ी फूंक करके पुलिस वालों को जिंदा जलाने का प्रयास लखनऊ में अखिलेश के लोगों ने करने का प्रयास किया, वैसे ही लखीमपुर में कांग्रेसी और समाजवादी लोग थे, वो किसान नहीं थे। किसान हत्या कर ही नहीं सकता। किसान का स्वभाव दयालु होता है, किसान के अंदर करुणा होती है, किसान के अंदर दया और करुणा होती है। वो कांग्रेसी के हत्यारे जिस प्रकार से आपने 82 के दंगे कराए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने, अजय भाई अजय देखिए मैं डिबेट खत्म कर दूंगा, मैं डिबेट खत्म कर दूंगा, प्लीज मैं डिबेट खत्म कर दूंगा, प्लीज ठीक है मैं डिबेट खत्म कर दूंगा, प्लीज डिबेट 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 ठीक है अजय भाई हो गया, प्लीज अब शांत रहिए तो डिबेट खत्म करनी पड़ जाएगी। देखिए इस तरह से चिल्लाने से चीजें नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे उन मुद्दों पर आप लोग बात नहीं करते, चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, आप लोग बिजली की महंगाई पे बात नहीं करते, आप लोग तेल की महंगाई पे बात नहीं करते, आप लोग एक बात को उठा करके उसको खींचने की कोशिश करते हैं और उसी खींचने में पूरी पूरी डिबेट चली जाती है। हम ये चीज करने के लिए नहीं बैठते हैं यहां पर, प्लीज आप लोग मुद्दे पर नहीं रहते हैं। सत्यजीत जी क्या कह रहे थे आप? जी देखिए नितिन जी, चीखने चिल्लाने की बात नहीं है, मुद्दे की अगर बात होगी, मैं वही कह रहा हूँ कि मुद्दे पर बातचीत नहीं होती है यहाँ पर, तो मुद्दे की अगर बात कहेंगे तो मुद्दे की बात को सुनना भी पड़ेगा। सुनना इसलिए पड़ेगा कि आज लखीमपुर से लेकर के जहाँ भी किसानों की हत्या है, लखीमपुर को दिखाई दे रहा है। अरे सर क्यों नहीं दिखाई देगा, लखीमपुर में हुआ है, जैन साहब लखीमपुर में घटना घटी है, लखीमपुर में किसान मरे है, लखीमपुर में आपके लोग भी मरे, हम ये भी कह रहे हैं। जैन साहब सुनिए प्लीज, हत्या कर ही नहीं सकता। अरे सर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई वो कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास क्या आप लोग गए? भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास आप लोग गए? आप सुन लीजिए जैन साहब, क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास आप लोग गए? और हमने हमने 45-45 लाख जैन साहब सुन लीजिए प्लीज, पहले मौका तो दीजिए, नौकरी मिली। जैन साहब हमने कहा किसानों की हत्याएं जो हो रही है क्या ये उचित है? कहाँ हो रही है किसानों की हत्या? अगर आत्महत्या कर रहा है तो यह उचित है? और मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुन ले, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो धरा पुत्र का वध कर दे, वसूली होती थी, जो जो धरा पुत्र का वध कर दे, सुन लीजिए आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुनेंगे नहीं, आप दूसरों के बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे, आपको मतलब ही नहीं है। डिबेट ऐसे कैसे होगी? कैसे प्रवक्ता है भाई नितिन जी, कैसे लोगों को बैठा लेते हैं? मुझे उनको सुनने की क्षमता नहीं है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये सुनना ही नहीं चाहते। मैं इस डिबेट को यही खत्म कर रहा हूँ, मैं इस डिबेट को यही खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इस डिबेट को राजनीतिक मंच बना चुके हैं। ये डिबेट राजनीतिक मंच के लिए नहीं थी, ये आम जनता के मुद्दों के लिए थी, देश के जो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के लिए थी, और सबसे हमें उत्तर प्रदेश की जो जनता है जिसने आप लोगों से उम्मीद जताई हुई थी उस मुद्दे पर थी, लेकिन आप लोग इसे राजनीतिक मंच बना चुके हैं, इस वजह से मुझे इस डिबेट को यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खबरों को देखने के लिए और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे प्राइम टीवी, और हम हमेशा से आपसे यही अपील करेंगे कि आप इन राजनीतिक बयानों में मत जाइएगा, आम जनता के जमीनी मुद्दों पर ही वोट दीजिएगा। ये लोग कुछ भी कहते रहेंगे, इस बार नहीं मानना है, इस बार अपनी समस्याओं पर वोट दीजिएगा। नमस्कार।